पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सारे एथलीट्स आपके साथ वार्ता करने के लिए आए हैं। सर से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। लगभग 98 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि उनकी विदेश में ट्रेनिंग चल रही है, देश के दूसरे केंद्रों में ट्रेनिंग चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोग पेरिस के लिए रवाना होंगे। मैं अनुरोध करती हूँ सर से कि कृपया सबको मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें। धन्यवाद सर। आप सबका स्वागत है और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे और मैं आपका जीत करके वापस आ होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं। और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है कि हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर जाने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है, वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है एक दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा, दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो नहीं, जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी, उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे। और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं,
लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज्यादा है, पहलवानों की संख्या ज्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं जरा सुनना चाहूंगा, आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना के पीछे? हाँ बताइए। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ, एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो, बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आपने शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा। और कौन कुछ बताएंगे अपना, जो पहली बार जा रहे हैं? बेटियां तो बहुत बता सकती है। दीजिए दीजिए, वो बोलेगी कुछ। हाँ, मेरा नाम रितिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं, और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। और बोलिए ना। हाँ दीजिए, आप संकोच कर रही है, बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज कह रही है। मेरा नाम अंतिम पंगाड़ है और मैं 53 केजी में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। शाबाश। अच्छा, आप में से 18 से भी कम उम्र के कौन कौन है, जिनकी एज 18 से कम है? एक, हाँ बताइए बेटा। Hi, I'm Dinidhi Desingu. I am 14 years old. I'm from Kerala, but I represent Karnataka generally. I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey, and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud, and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. Wish all the best. अच्छा, जो लोग 3 बार से ज्यादा बार ओलंपिक में गए, ऐसे कौन कौन है? मोर देन 3 टाइम्स। हाँ जरा उनसे सुनेंगे। मोर देन 3 टाइम्स। हाँ बताइए। हाँ, ये झारखंड वालों को तो छूट है कुछ भी बोलने की। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं आरजे को रिप्रेजेंट करती हूँ। सर बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और यस काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200%। थैंक यू। अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूंगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे,
अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अब 3 बार हुआ ही, पहली बार गई, उसमें कुछ सीखा होगा, कुछ आपने आकर के उसको प्रैक्टिस किया होगा, दूसरी बार गई कुछ और सीखा होगा। मैं जान सकता हूं कि आपने ऐसा कौन सी चीजें नई एडॉप्ट की जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और आपको लगता है कि आप देश को कुछ दे पाओगे? या ऐसा तो नहीं कि रूटीन जो प्रैक्टिस करती थी वही करते, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे मैं हूं, मैं योगा वगैरह करने की आदि हूं तो मैं समय देता हूं मेरे लिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो एक रिदम बन जाती है जाते ही, जिससे शुरू करता हूं वही से एकदम से शुरू हो जाता है, फिर मैं थोड़ा कॉन्शियस होकर कह रहा हूं आज ये दो छोड़ो, दो नई चीजें करूं, तो थोड़ा मुझे वैसा हर एक का आदत हो जाती है कि वो अपनी जो पुरानी हैबिट है उसी प्रकार से एक्ट करता रहता है और उसको लगता है मैंने कर लिया। आपकी स्थिति क्या है? पुरानी अच्छी आदत है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जैसे लास्ट टाइम कोई भी मैच से अगर हम हारते हैं तो उससे सीखते हैं और प्रैक्टिस में आके वो गलती ना करें, उसको हम हर दिन रिपीट करते हैं ताकि वो हमारे आदत में उतर आए, जो अच्छी आदत है वो उतर आए और वही चीज़ हम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। कभी कभी बुरी आदत भी तो आदत बन जाती है, शरीर का हिस्सा बन जाती है। सर होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बुरी आदत लग जाती है, बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि ये चीजें हमको कैसे कन्वर्ट करनी है अच्छी चीजों में। और कौन है जो 3 बार जाकर के आए हैं? नमस्ते सर, मैं पूम एमआर एथलेटिक्स से हूँ। 2008 में जब मैं ओलंपिक्स गई थी तो मैं 18 ईयर्स थी, तो मैं रिजर्व में थी सर। देन 2016 में हम लोग टीम में भागे थे, तो 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया, तो दिस टाइम वी वांट टू क्रिएट अ नेशनल रिकॉर्ड एंड कम इनटू द फाइनल्स। चलिए, विद सो कॉन्फिडेंस, थैंक यू। सॉरी, ये जो बाहर जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा सब खिलाड़ियों को। कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके शुरू कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स मैं जा रही हूँ सर, तो 1st ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इस बार आई होप I change the color, sir, and I hope I come back with a medal. Obviously, अभी बहुत experience से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy. But I will try my best and hoping for another medal, sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगी? बस firstly मैं बस ये कहना कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स, बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज़ लाइक एन एनी अदर टूर्नामेंट, इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवर सेल्फ दैट वी कैन डू इट। And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%, not think that it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, प्रेशर तो सब लोग थैंक यू सर। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी, तुम्हारे बाल कृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है यहीं पे स्विट्जरलैंड में। इस बार भी बाल कृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी
स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है, तो वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तुम्हें तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है, तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इंक्रेज कर रहे हो कि सब देखो इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहाँ से, कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं निखत बोल रही हूँ सर। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया, कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था आपको, हरियाणा का वही तो, और नहीं मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर? बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बार हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और एक महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाए पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए, और उसका रीज़न मैं मानता हूँ कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूँगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि 2-3 बातें बहुत अच्छी निकली, क्योंकि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक अहमियत होती है। जैसे आपको बताया गया कि वहाँ के तामझाम में डूब मत जाना, खो मत जाना, ये बहुत सही है। अदरवाइज हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, परमात्मा ने हमें एक कद दिया है, बाकी खिलाड़ी हमसे बड़े कद वाले होते हैं, लेकिन हम पक्का मान के चले यहां कद का खेल नहीं है जी, यहां कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। सामने वाले का शरीर हमसे 2 फीट ऊंचा है, चौड़ा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, और फिर सामने कितना ही शरीर मोटा हो, बड़ा तगड़ा हो, दिखने में बड़ा शानदार हो, तो वो जीत ही जाएगा मानने का कारण नहीं होता है। तो हमने कोशिश, अपने पास जो कौशल है, अपने पास जो टैलेंट है, उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए और वही हमें परिणाम देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग
बहुत कुछ आता है उनको, लेकिन एग्जामिनेशन के समय गड़बड़ हो जाती है, उनको लगता है आप याद नहीं आता है, फिर सोचता है कुछ कोरिलेट करता है, और उसका मूल कारण उसका एग्जाम पर ध्यान कम होता है। उसका मूल कारण होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं मार्क्स कम लाए तो क्या, उसी प्रेशर में रहता है। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए अच्छा बस। अरे मेडल आते भी हैं नहीं भी आते क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप लोग जानते होंगे, आपको शायद ये आपके कोचिज हैं वो सब, या आपकी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे, खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और कभी कभी तो कल सुबह मैच होने वाला, आज रात को नींद ही नहीं आ रही है, और शायद कोई और चीज हमें जितना नुकसान नहीं करती है उससे ज्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि कैसा प्रधानमंत्री जो हमको सोने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है, तो आपकी नींद कितने समय की है, कितनी साउंड स्लीप है, इसका बड़ा महत्व माना जाता है, और नया मेडिकल साइंस में इन चीजों को बड़ा स्वीकार किया जा रहा है। और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों ना होगी, आप नींद पक्की करके, वैसे आप लोग मेहनत इतनी करते हैं कि आपको नींद आना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप गहरी नींद में चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हैं शरीर से, लेकिन शरीर की मेहनत वाली नींद एक बात है और सभी चिंताओं से मुक्त सोना यह अलग चीज है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नींद के संबंध में जरा भी कॉम्प्रोमाइज, और थोड़े दिन पहले इसलिए भेजते हैं कि थोड़ा आप वहां पर जेट लैग वगैरह समस्याओं से बच जाए, वहां थोड़ा कंफर्ट फील करें, और उसके बाद आप खेल के मैदान में उतरे तो आपको सुविधा रहे, इसलिए एक व्यवस्था सरकार करती है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं, जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो, और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा, आप में से लोग जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहाँ सब हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, खेल में क्या करके आते हैं वो तो उसमें चार चांद लगा देता है, लेकिन देश के अंदर इतना सारा खेल जगत के लोगों का होने के बाद, आप में से खेलो इंडिया से निकल करके खिलाड़ी बने ऐसे कितने हैं, अच्छा ये भी काफी लोग हैं, तो आपका क्या कैसा कौन सा खेल रहा क्या है बता दीजिए जरा। सिफ्थ हूँ और मैं शूटिंग करती हूँ, तो खेलो इंडिया ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग करके और उस टीम में आके
जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया का नहीं आया। चलिए अच्छी शुरुआत है। हाँ जी आपका। नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है। और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं, जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है। जी शुक्रिया सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ बात बताना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं हरमनप्रीत सिंह हूँ हॉकी टीम से। तो सर लास्ट टाइम जो हमने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 41 ईयर्स के बाद, तो वो एक बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट थी। एंड क्योंकि हॉकी की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी रही है एंड इस बार कोशिश बहुत अच्छी चल रही है। एंड फैसिलिटीज़ की बात करूँ सब दिख रहे हैं आपकी टोली। तो फैसिलिटी सर हम बेंगलोर साई में रहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं। जैसे आपने रिकवरी के बारे में बोला, स्लीप के बारे में बोला, और वहाँ पे जो हमारा रिकवरी का है फूड से लेकर सारा कुछ सर बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। और इस बार भी हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं एंड टीम हमारी जो है बहुत स्ट्रांग है। तो उम्मीद करते हैं सर इस बार और बेहतर करें और देश के लिए मेडल लेके आए सर। शायद किसी एक खेल पर सबसे ज़्यादा देश का प्रेशर है तो हॉकी पर होता है, क्योंकि देश के सब लोग मानते हैं तो हमारा खेल है, हम कैसे पीछे रह गए। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है हॉकी के खिलाड़ियों पर, क्योंकि देश का हर बच्चा बच्चा ही मानता है ये तो हमारा खेल है, ये हम कैसे हार सकते हैं। बाकियों में तो कहते हैं हाँ भाई चलो हमारे लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, निकाल रहे हैं, ये हॉकी के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसलिए उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मेरी शुभकामना है, आप पक्का करके लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए साहब मैं आपसे यही कहूंगा, ये देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर होता है। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान तक पहुंचे हैं, अब आपके लिए अवसर है देश को कुछ देने का, और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है। जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गौरव लेकर के आता है। मुझे पक्का विश्वास है हमारे सभी साथी इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आएंगे। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक को की मेजबानी हमारे देश में करें, उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। तो हमारे दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफी चल रहा है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूंगा, वहां व्यवस्थाएं क्या, इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पर हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलता है तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे वो इनपुट बहुत काम आएगा कि भाई वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ इस चीज़ की कमी थी, वहाँ उस चीज़ की कमी थी। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है
उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।